टखने छुपे हों तो क्या नमाज हो जाती है। मोहम्मद खालिद गुजरात। अगर नमाज में टखनों से नीचे पैंट या शलवार हो तो क्या नमाज हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुसबिलिन इज़ारहू। अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करते जिसका इज़ार नीचे लटका हुआ हो, उसमें पैंट भी दाखिल है, शलवार भी दाखिल है, जुब्बा भी दाखिल है। तो टखनों से ऊपर ऊपर रखना नमाज में भी और नमाज के बाहर भी ज़रूरी है, और नमाज में अगर होगा तो नमाज वाजिबुल इआदा है, लौटानी पड़ेगी, उसको गुनाह होगा आपको। बाज़ लोगों ने एक नया शोशा छोड़ा है इस 15वीं सदी में कि पैंट को नीचे से फ़ोल्ड नहीं कर सकते। ऐसी कोई हदीस हमारे सामने नहीं है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैंट को फ़ोल्ड करने से मना किया हो या शलवार को फ़ोल्ड करने से मना किया हो। इस पर मुत्तफ़क़ुन अलैह सही अहदीस कसरत से मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी इज़ार और उसमें जो भी चीज़ आपने पहनी हुई हो नीचे टांगों पर, वो सब उसमें दाखिल हैं। उसको टखनों से नीचे ले जाने से, टखनों तक ले जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से मना किया है। तो इसलिए उसको आपने ऊपर रखना है, चाहे शलवार को मोड़ के या पैंट को फोल्ड करके, किसी भी तरह से। आज तक उलमा सुलहा इसी पर अमल करते आए हैं। अब ये 15वीं सदी में आपने देखा है कि एक नई चीज़ शुरू कर दी है कि जनाब वो कहते हैं कि जी पैंट को फ़ोल्ड नहीं करना। तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कपड़े को है तब्दील करने से मना किया, उससे मुराद नीचे से फ़ोल्ड करना नहीं है। वो तो ये कि आस्तीनों को इतना ज़्यादा फ़ोल्ड कर दिया कि आप अजीब सा आपका हुलिया बन गया है। तो उस अमल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि ऐसा हुलिया बना देना कि किसी महफिल में इंसान ना जा सके, तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहरहाल ऊँची करनी पड़ेगी।